रामनगरी दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पहुंचे। उन्होंने चाय पी, घर के लोगों से संवाद किया, हाल चाल पूछा, बच्चों को ऑटोग्राफ दिया और सेल्फी खिंचवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। अयोध्या के राजघाट कंधरपुर गुड़ियाना में धनी राम मांझी के घर अचानक पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। धनी राम की पत्नी मीरा ने बताया कि सब कुछ सपने जैसा रहा। उन्होंने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अपने हाथों से लिखकर दिया। आइए जानते हैं मीरा की मोदी से क्या हुई बातचीत। गैस चलाना आता है जी? कल सीखे हैं। कल सीख लिए जी? तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता जी, था खरीद के लाते थे। हाँ, उसको जी। तो अभी अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे अच्छे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ? हाँ। तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं जी? फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं जी? कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो आपको लोग बहुत आते होंगे जी? हाँ। आपको फूल कम पड़ जाएंगे? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला जी, बिजली मिली जी, घर मिला जी, अनाज मिला जी। वाह। और पानी मिल गया? पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए? नहीं नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर सब भगवान ही भगवान। चलिए, अब तो मकान बन गए आपका जी। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है जी? अपने मन का ही बनाए। अच्छा, कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी? एक ही किस्त में मिला? अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त में मिला? पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए जी? तुम किसी को रिश्वत नहीं देने? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं, किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रूपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बनती है। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।